श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई सुथारवाड़ी भायंदर के प्रांगण में 33वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2 फरवरी को कलश स्थापना, श्री विश्वकर्मा पूजा के पश्चात भजन संध्या में राजस्थान से आए हुए गायक खटमल सैन और पार्टी व स्थानीय कलाकारों के साथ जोधपुर से काजल वैष्णव ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं 3 फरवरी के श्री विश्वकर्मा जयंती के मुख्य कार्यक्रम में हवन पूजा के साथ ही अतिथि सत्कार, समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, सुथारवाड़ी के कोरोना योद्धाओं का सम्मान, समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां पेश की गई। सुसज्जित मंडप व डेकोरेशन के साथ ही महाप्रसाद का लाभ लोगों को दिया गया। इसके साथ सुथार समाज स्मारिका 2023 कैलेंडर व वेबसाइट का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट व इंटीरियर डिजाइनर जरीर मुलान एवं सीमा पूरी रहे। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीकनेर से डॉक्टर जयकिशन सुथार जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति पहुंचे। श्री विश्वकर्मा जी की असीम कृपा से प्रवासी राजस्थानी सुथार समाज ने अपने कला कौशल के बल पर मुंबई महानगर में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसी कड़ी में श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीगण में वरिष्ठ सलाहकार हीरालाल माकड़, अध्यक्ष सूरजमल माकड़, सचिव मघाराम कुलरिया, कोषाध्यक्ष सुखदेव माकड़ व उपकोषाध्यक्ष मेघराम उस्तवाल, ट्रस्टी भंवरलाल कुलरिया व समिति सदस्यों ने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व सरंक्षक स्व रामचंद्र बुड़र को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। मीरा भायंदर के राजनीतिक उपस्थिति के रूप में मीरा भायंदर की वर्तमान विधायिका गीता जैन व मीरा भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता अतिथि विशिष्ट रहे। साथ स्थानीय नगर सेविका उपस्थित रहे व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। इंटीरियर जगत के इस महामेले में 4 से 5 हजार संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस मेले में पिडिलाइट, फेविकोल, ग्रीन प्लाई, किस्मत हार्डवेयर व वेंजो वूड सभी ने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दी। रखा जाता है। हाँ, 2 साल कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम जरूर नहीं हुआ, लेकिन सालों से ये कार्यक्रम होता है। बहुत सुंदर आयोजन होता है और सुतार समाज सब एक होके इस दिन मुझे नहीं लगता कि एक भी घर बचता होगा। उनकी यही एकता की मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर और धूमधाम से ये विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। 2020 के बाद 2023 में ये कार्यक्रम रखा गया समाज द्वारा, तो कितना गैप रहा और कितना मिस कर रहा था? वो ही बोल रही हूँ कि 3 साल नहीं था तो हमें ये लगता था कि वी आर मिसिंग समथिंग, क्योंकि भगवान के सामने शीश झुकाने आना और वो भी उनकी जयंती के जन्मोत्सव पे, वो एक अलग भाव दिल में होता है। तो वो आज बहुत सुंदर तरीके से यहाँ, जैसे हर साल होता है, बहुत सुंदर यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, हवन हुआ है और बाकी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। यानी ऑल इन वन जैसे प्रोग्राम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइज विथ हमारे संस्कार, वो सुंदर समन्वय यहाँ हुआ है और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है यहाँ। देखिए, ऐसा कार्यक्रम में हमारे ये हम लोग यहाँ 4 से 4.5 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और कंटिन्यूटी में लोग आते हैं जाते हैं, कुछ रुकते हैं। यहाँ और भी 2 वाड़ियाँ हैं, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये गर्व से कह सकता हूँ कि श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में अनूठा है और इसके नक्शे कदम पर और भी कार्य हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। किसी की अच्छाई को फॉलो करना, उसको देख के आगे बढ़ना, ये हमारे लिए, समाज के लिए अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और निश्चित रूप से श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट में रात को भजन संध्या में
लगभग 1500 आदमी का खाना हम लोगों ने व्यवस्था की और अभी 4500 आदमियों की व्यवस्था थी। जय श्री विश्वनाथ। जय श्री विश्वनाथ। कहीं ना कहीं हमें भी शुरू में जब इस स्मारिका के बारे में बात करूं तो हमको लग रहा था कि यार कैसे होगा इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन फिर बाद में जब क्या होता है कि कभी भी कोई डिफिकल्ट काम होता है ना, उसको करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर शुरू किया। हालांकि प्रदीप जी के भी घर में शादियां थी, उनका मायरा था, हमारे भी घर में शादियां थी, सबके घर में शादियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जुड़े रहे और भोजराज जी भी हमारे साथ रहे और सब लोग साथ में रहे और कुछ लोगों का जिनसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसे लोगों का भी कुछ सहयोग अलग से मिला। तो आपको कोई भी ऐसा डिफिकल्ट प्रोग्राम होता है तो उसको आपको पहले आगे बढ़ना पड़ता है, फिर आगे लोग पीछे पीछे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पीछे पीछे आते हैं इन द सेंस कि समाज के काम में हर व्यक्ति तन मन धन से जुड़ना तो चाहता ही है, यही कहना। समस्या भी काफी होती, कितने साल कितने महीनों का, जैसे कि अभी बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोरोना काल की अगर बात करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जो सैकड़ों वर्ष तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाएगी कि एक ऐसी त्रासदी हुई। उस त्रासदी के समय में और उस कठिन परिस्थिति के समय में इस विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट सुथारवाड़ी ने एक नए आयाम स्थापित किए, नए आयाम इन द सेंस कि डिफिकल्ट समय में कुछ लोगों ने अपनी सब कुछ अपना जो प्रॉब्लम थी उसको छोड़ के यहाँ पे खाना बनाना, उसको वितरित करना और वो भी एक क्वालिटी फूड के तौर पे अच्छा खाना बना के और लोगों को वितरित किया, अपनी खुद की जो हेल्थ है उसको परवाह किए बगैर ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ टीम ने, जैसे मंगनी राम जी है, भैरव जी है, प्रदीप जी है, बहुत सारे लोगों ने एक स्पेशल टीम के तहत काम किया कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपना खाना इधर बनाओ और सबको वितरित करो। उसमें मतलब अप्रोक्सीमेट 65,000 पैकेट बांटना कोई छोटी बात नहीं है और उसने ही पूरा सिस्टम मतलब अपने यहाँ पे सुतारवाड़ी और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम एक अलग वे में लिया। फिर उसके बाद में हमको सरकारी विभाग से भी अच्छा सपोर्ट मिला और उसके तहत ट्रेन की व्यवस्था की गई और ट्रेन भी बहुत मतलब किसी किसी को लग रहा था कि ट्रेन जा नहीं पाएगी, रेल एक पूरी रेल लेके जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने और इनकी मतलब सब टीम ने इतना अच्छे से काम किया कि हर व्यक्ति उसमें इतना उत्साहित था और वो वाकायदा ट्रेन गई और वो चैलेंजिंग काम करने का एक मजा ही होता है, वो एक उबर के आया और उसमें सुतारवाड़ी का जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा अगर कोई नहीं भी जान रहा था ना तो उस व्यक्ति ने मतलब उस जो संस्था है या समझो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति सुतारवाड़ी विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से परिचित हुआ। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे सभी बंधुओं को आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जो जयंती दिवस है हर्षोल्लास के साथ ये 33वां जयंती उत्सव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाया गया, इसका मैं इसकी मैं सबको बधाई देता हूँ मैं। और रही बात पीछे के जो 2 साल है, 2020 की जयंती हमने हर्षोल्लास के साथ मनाई, फिर कोविड का जो टाइम आया उसमें हमें ज़रूर ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हम जयंती नहीं मना पा रहे, क्योंकि हर साल सभी को इसका इंतजार रहता है हमारे समाज बंधुओं को और सभी को वो टाइम ऐसा था सभी के लिए थोड़ा। उस दौरान हमने हमारे समाज बंधुओं ने कार्यकर्ताओं ने कोविड में अपनी सेवाएं दी, वो बहुत बड़ी बात है, ये ट्रस्ट के लिए बड़ा अचीवमेंट है और आगे भी मतलब अभी ऐसा है कि ये जो जयंती है थोड़ा इसमें 2 साल के पीरियड के बाद जो जयंती आई तो उसमें हमारे बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक था और दूसरे में राजस्थान में अभी शादियाँ हैं तो हमारे बहुत सारे बंधु शादियों में भी राजस्थान में हैं, लेकिन फिर भी सबका अच्छा सहयोग रहा और अच्छी रूप से मनाई। हमारे साथी है अमृत, ये कंटिन्यू हम लोग कोशिश यही रहती है, इस बार भी स्मारिका हमने 3 साल के बाद प्रकाशित की है, हम तीनों इसमें संपादक के रूप में शामिल थे।